राजस्थान के जोधपुर में एसडीएम रह चुकी आरएएस अफसर प्रियंका बिश्नोई की बुधवार देर रात अहमदाबाद में इलाज के दौरान मौत हो गई। उनका करीब 20 दिन पहले जोधपुर के वसुंधरा हॉस्पिटल में बच्चेदानी का ऑपरेशन किया गया था। इसके बाद उनकी हालत बिगड़ती गई और फिर उन्हें अहमदाबाद के सिम्स में भर्ती किया गया। प्रियंका बिश्नोई साल 2016 बैच की आरएएस अफसर थी। उनका तबादला कुछ दिन पहले ही नगर निगम जोधपुर में उपायुक्त के पद पर हुआ था। अब प्रियंका का अंतिम संस्कार गुरुवार दोपहर फलौदी के सुरपुरा में होगा। जानकारी के अनुसार आरएएस अफसर प्रियंका बिश्नोई ने पेट दर्द की शिकायत की थी। जांच कराने पर उन्हें डॉक्टरों ने बच्चेदानी में गांठ की समस्या बताते हुए ऑपरेशन करवाने की सलाह दी थी। इसी के चलते जोधपुर के वसुंधरा हॉस्पिटल में उनका ऑपरेशन करवाया गया था। लेकिन अब मामले में प्रियंका के परिवार ने डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप लगाया था। मामले में प्रियंका के ससुर सईराम बिश्नोई ने पत्र लिखकर जांच की मांग की थी। आरोप है कि उन्हें बेहोशी की दवा ज्यादा दे दी गई और इसीलिए उनकी हालत बिगड़ गई। मामले में जोधपुर जिला कलेक्टर ने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को कमेटी बनाकर जांच करने के आदेश दिए थे। रिपोर्ट में अगर इलाज के दौरान लापरवाही साबित होती है तो तुरंत बड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं वसुंधरा हॉस्पिटल के डॉक्टर संजय मकवाना ने कहा कि सर्जिकल कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं था। उनके ब्रेन में जन्म से एवी मालफॉर्मेशन था। वो यंग एज में कभी भी लीक कर सकता है। दुर्भाग्यवश हमारे पास ऑपरेशन की 24 घंटे की रिकवरी के बाद लीक हुआ। उस दिन स्ट्रेस की वजह से उनमें लक्षण आने शुरू हो गए थे। सीटी स्कैन में भी यही बात सामने आई थी।